दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, वो भी मुफ्त में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेगनेंसी में भूलकर भी ग्रीन टी का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ग्रीन टी वैसे तो बहुत सेहतमंद मानी गई है। ग्रीन टी में सबसे अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें और भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। वैसे ग्रीन टी का चलन इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गर्भावस्था के समय ग्रीन टी पीना सही होता है कि नहीं। लेकिन दोस्तों, ये बात सच है कि ग्रीन टी में कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है। अधिक मात्रा में कैफीन लेने से माँ और भ्रूण दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। संतुलित मात्रा में ग्रीन टी लेना फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आप बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन टी लेते हैं तो ये खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान ग्रीन टी का सेवन किसी डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें। तो चलिए जान लेते हैं कि गर्भावस्था में ग्रीन टी के सेवन से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। पहला दोस्तों, न्यूरल ट्यूब होने का खतरा होता है। शोधों से ये साबित हुआ है कि बच्चे के गर्भ में आने के समय में ग्रीन टी का सेवन करने से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। सेकंड है दोस्तों, बच्चे के दिमागी विकास पे असर डालता है ये। गर्भावस्था में फोलिक एसिड लेना माँ और बच्चों दोनों के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी से बच्चे का पूर्ण दिमागी विकास नहीं हो पाता है। अगर ऐसे में आप बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन टी लेती है तो आपके बच्चे को फोलिक एसिड का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। इससे बच्चे के दिमागी विकास में असर आता है। थर्ड है दोस्तों, इससे आयरन की कमी होती है। बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन टी पीने से आयरन के अवशोषण में समस्या आती है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन का उत्पादन नहीं हो पाता है और माँ और बच्चे को एनीमिया होने की आशंका बढ़ जाती है। और आखिरी दोस्तों, मेटाबॉलिज्म की दर बढ़ जाती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन टी पीने से मेटाबॉलिज्म दर बढ़ जाती है और गर्भावस्था में ये मेटाबॉलिज्म की दर यूं ही बड़ी होती है। ऐसे में इसका और बढ़ जाना माँ और बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, ये है कि गर्भावस्था में प्रेगनेंसी में ग्रीन टी का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।